नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार सुबह 5:30 बजे डॉक्टर दंपत्ति के घर छापा मारा। दोनों मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हैं। छापे में उनकी अब तक कुल आय 3,15,00,000 रुपए होती है, लेकिन शुरुआती आकलन में ही 5,50,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी उनकी मिल चुकी है। ये राशि 12 करोड़ तक पहुंच सकती है। दंपत्ति की कमाई के हिसाब से उनका आलीशान मकान देखकर ईओडब्ल्यू की टीम भी हैरान रह गई। आपको बता दें, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रभारी परीक्षा नियंत्रक रह चुकी हैं। अभी वे मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हैं। उनके पति प्रोफेसर अशोक साहू भी वहीं पदस्थ हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने के घोटाले का खुलासा होने के समय वह यूनिवर्सिटी में ही पदस्थ थी। जांच टीम से नजदीकी के चलते वह भी कुछ लोगों के निशाने पर थी। इस प्रकरण से जोड़कर ये कार्रवाई देखी जा रही है। 3 महीने पहले प्रोफेसर दंपत्ति के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई थी। निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी ने जांच की तो बेनामी संपत्ति होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद आज सुबह सर्चिंग की कार्रवाई की गई। टीम के जगाने पर पहले उन्होंने अपने वकील से बात कराई, इसके बाद गेट खोला। 2400 स्क्वायर फीट में करोड़ों की लागत से बना आलीशान मकान कुछ समय पहले ही तैयार हुआ है। प्रोफेसर दंपत्ति ने सामने फुटपाथ की लगभग 500 स्क्वायर फीट जमीन पर भी अवैध कब्जा कर उसे निजी गार्डन बना लिया है। मकान की भव्यता एक टीम भी चकरा गई। एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि डीएसपी मंजीत सिंह की अगुवाई में निरीक्षक धामी सिंह सहित 14 लोगों की टीम ने सुबह धनवंतरी नगर स्थित प्रोफेसर दंपत्ति के एमआईजी 516 नंबर के मकान पर दाबिश दी। एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक प्रोफेसर दंपत्ति ने अकूत संपत्ति जमा की है। 12 साल से नौकरी कर रहे दंपत्ति की वैध आय 3,15,00,000 रुपए होती है। इस आय में 72% से अधिक व्यय किया गया है, लेकिन इसी अवधि में दोनों ने 5,50,00,000 रुपए की संपत्ति बना ली है। इस आकलन के बाद प्रोफेसर दंपत्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर्चिंग में कुछ जानकारी सामने आई है, शाम तक आकलन कर विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तक मिली संपत्ति में 54 CO कॉलोनी में प्लॉट, एमआईजे 516 मेन रोड धनवंतरी नगर में प्लॉट, एमआईजे 517 मेन रोड धनवंतरी नगर में प्लॉट। तीनों प्लॉट की खरीदी पर 1,56,00,000 रुपए का खर्च हुआ। भवन निर्माण में 2,34,00,000 रुपए खर्च किए। एलआईसी निवेश में 5,68,000 रुपए खर्च किए। टोयोटा कार जिसकी कीमत है 7,40,000 रुपए उसने खर्च किए। एसबीआई में 1 लॉकर, तेंदुखेड़ा में 4 एकड़ का फार्म हाउस, जेवर नकदी और 4 बैंक खाते। आपको बता दें, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता की पढ़ाई भोपाल से हुई है। वर्तमान में वे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। यहीं पर पदस्थ प्रोफेसर अशोक साहू से 2011 में उनका प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 6 साल, छोटा 2 साल का है। डॉक्टर तृप्ति गुप्ता मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतिनियुक्त पर प्रभारी परीक्षा नियंत्रक का दायित्व संभाल चुकी हैं। माइंड लॉजिस्टिक कंपनी से मिली भगत कर छात्रों को पास फेल करने का प्रकरण से वे चर्चा में आई थी। कुछ दिन पहले ही उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वापस मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। तृप्ति गुप्ता और अशोक साहू साहब, इन्होंने जो इनका वेतन से जो कुल आय इनको प्राप्त हुई है वो लगभग 3,15,00,000 रुपए है, जिसमें कि जो डिडक्शन होते हैं वो भी शामिल हैं। इसमें आय से लगभग 72% से अधिक इनकी संपत्ति और व्यय होना पाया गया था, उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है और आज सुबह इनके घर की सर्च कार्रवाई प्रारंभ की।